अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज शहर हैदराबाद में 31 अफराद पर बरसों से लगा राउडी शीटर्स का दाग हटा दिया गया है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार साहब ने साला जंग म्यूजियम में खिताब करते हुए चंद दागदार चेहरों से खुद पुलिस ने दाग हटा दिया। आइए देखते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। अब हमारे साहबुल्ला जो है देवेंद्र साहब है, हमारे रवि साहब है, हमारे माजी साहब है, चीफ साहब है, कॉपरेट करे, बहुत तकलीफ होती। बच्चों को हमारे स्कूल को गए तो बोलते आप राउडी शीटर के बच्चे है क्या, वो है क्या, ये है क्या, बहुत तकलीफ होते साहब। घर पे कोई रिश्ते नहीं आते, राउडी शीटर है आप लोग, ये वो बोलते। हमारे बस्ती में बदनाम करके रखे हुए हैं आप। 17 साल से तो मेरा कोई पीटी केस नहीं है। एक मौका आया साहब दिए, एक मौका अच्छा जीलूँगा इंशाल्लाह, मेरे बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी करूँगा, मेरे बच्चों को आगे चल के फ्यूचर में पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। लेकिन कभी ज़िंदगी में ऐसा काम मेरे बच्चों को ना करने दूँगा, ना करूँगा, ना मैं करूँगा इंशाल्लाह। साहब एक मौका दिए हुए, अल्लाह उनको अच्छा रखे, मेरे बीवी बच्चों की दुआ, एक नई ज़िंदगी दी है मेरे को साहब, बोल के मैं जीऊँगा अच्छा इंशाल्लाह, जो है अच्छा बन के बताऊँगा मैं और मेरे बच्चे। मेरा राती मकान है साहब, मैं फलाफू मकान में रहता हूँ इंशाल्लाह, जो है अच्छी ज़िंदगी करूँगा। साहब का एक मौका दिए मेरे को, नई ज़िंदगी दिए मेरे बच्चों को, नई ज़िंदगी दिए साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काला पत्थर का रोडी शीटर हूँ साहब, काला पत्थर का रहने वाला हूँ मैं। आज सिटी साहब बुला के शीट हम लोग की क्लोज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बोलूँगा सिटी साहब को। और अपने क्या बोलते हैं काला पत्थर इंस्पेक्टर साहब सुदर्शन साहब भी बहुत हमारी इज्जत करे साहब। 2016 में मेरा केस हुआ था साहब, लेकिन मैं इसमें कभी इन्वॉल्व नहीं था, सिर्फ लॉस करा था मैं। उसमें मेरे को रेप केस के लिए बुक कर दिया गया, कभी मेरा कोई इन्वॉल्व नहीं था, कोई केस नहीं था मेरा, कभी कोई पीटी केस भी नहीं था। कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं, काला पत्थर इंस्पेक्टर सुदर्शन साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ। पुलिस के तरफ से पिछले 3 महीने से एक एक्सरसाइज हो रहा था, नीचे करो सीधा नीचे करो, जिसके तहत लगभग 31 राउडी शीटर्स जिनका रिकॉर्ड पिछले कुछ सालों से बेदाग है, बिल्कुल बिना किसी शिकायत का है, उन लोगों को एक नया मौका दिया गया, उनका राउडी शीट बंद किया गया है। मुझे यकीन है कि जो जिस भरोसे के साथ उनका राउडी शीट बंद किया गया, उस भरोसे का वो कदर करेंगे। जिंदगी में गलतियां बहुत लोगों से होती हैं, कुछ गलतियां छोटी होती हैं, कुछ गलतियां बड़ी होती हैं, कुछ गलतियों को क्राइम भी कहा जाता है। लेकिन कानून के तहत एक बार जो क्राइम किया उसको जिंदगी भर के लिए सजा मिलती रहे, ये मुनासिब नहीं है। और इसीलिए हमारे स्पेशल ब्रांच के तरफ से, टास्क फोर्स के तरफ से और लॉ एंड ऑर्डर के तरफ से पूरे वेरिफिकेशन करने के बाद इन 31 लोगों को एक नया मौका दिया गया कि मेहनत करके सही और सच्चे रास्ते पर चल के अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं, एक ऐसा इंसान बनाए जिन्हें देखकर लोगों को फक्र हो, उनकी अच्छाई पर लोगों को लगे कि हाँ ये हमारे सोसाइटी के अच्छे इंसान हैं, और कड़ी मेहनत करके रोजी रोटी अपना चलाएं। जैसा कि आप जानते हैं रिवॉर्ड और पनिशमेंट ये दोनों साथ चलनी चाहिए। अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे पनिशमेंट भी तुरंत मिलना चाहिए। तो ऐसे मौके पे मैं सभी को वार्निंग भी देता हूं कि अगर कोई क्राइम करेंगे, राउडिज्म का काम करेंगे, तो बिना किसी देरी के उनको अरेस्ट करके चंचलगुड़ा जेल भी हम भेज सकते हैं। ऐसे मौके पर साउथ जोन के सभी पुलिस ऑफिसर को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों पर निगाह रखें। और जिस तरीके से आज 31 मेंबर्स को हम लोग सोसाइटी में एक नया लाइफ दिए, उसी तरीके से बाकी लोगों को भी ऐसा मौका मिलना चाहिए। और इस तरह का एक्सरसाइज हम लोग दूसरे जोन्स में भी, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन हो चुका है, सेंट्रल और नॉर्थ जोन में भी करेंगे। और खास करके
जो नए लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनको मैं वार्निंग देना चाहता हूं कि एक बार अगर आपके खिलाफ राउडी शीट खुल गया तो आपको न तो नौकरी मिलेगी, न तो आपको पासपोर्ट मिलेगा, न तो कहीं जाने का वीजा मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी नहीं हो मिलेगी, और कुछ लोग कहते हैं कि शायद आपकी शादी भी नहीं होगी। कोई भी अपनी लड़की को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को नहीं देगा आपके पास। इसीलिए हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हमारे सभी पुलिस ऑफिसर मिलकर एक ये इनिशिएटिव लिए हैं, इसका कदर कीजिए और मेहनत करके अभी जो हम लोग को एक बेहतर हैदराबाद बनाना है, एक नया मुस्कुराता हुआ हैदराबाद बनाइए जिसमें हम लोग सब मिलकर एक साथ चलेंगे। थैंक यू सो मच।